गुड मॉर्निंग, मैं हूँ डॉक्टर नमित कालरा और आप देख रहे हैं डॉक्टर नमित कालरा शो। और जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, आज फिर लेकर आऊँ एक मेडिकल टॉपिक, और टॉपिक बहुत सीरियस है। कहते हैं जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में, जापन है तो मौत से रिलेटेड टॉपिक है, लेकिन बहुत यूज़फुल है। और टॉपिक है कि कुछ पेशेंट्स जो बहुत सीरियस होते हैं, 6 महीने से सीरियस हैं, 1 साल से सीरियस हैं, 2 साल से सीरियस हैं, कई सालों से सीरियस हैं, बेड पर ही हैं, तो कैसे पता लगाएं कि इनका आखिरी समय आ गया, अब ये जाने वाले हैं। ऐसे क्या चेंजेस आते हैं पेशेंट्स में, उनके कंडीशंस में, कि आपको पता चल जाए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको करनी पड़ती हैं उस मोमेंट पे पेशेंट को कंफर्ट देने के लिए, या कुछ और ज़रूरी काम होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको बताऊँगा कि ऐसे कौन से साइन सिम्टम्स हैं जैसे आपको पता चल जाएगा कि अब ये पेशेंट ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं करेंगे। तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप पता लगाएंगे। सबसे पहली चीज़ कि पेशेंट जो रेगुलर हैं वो खाना वाना खा रहे थे तो उनकी एपेटाइट कम हो जाती है, वो खाना कम शुरू कर देते हैं, पहले से खाना उनका कम हो जाता है, और सोना ज़्यादा शुरू कर देते हैं, जितना सोते थे उससे भी ज़्यादा सोने लग गए, अब सारा दिन सोते रहते हैं, ठीक है। सोशल कम हो जाते हैं, जैसे पहले किसी से टेलीफोन पर बात कर लेते तो अब वो भी नहीं करते हैं, मन नहीं करता उनका किसी से बात करने का, या बिल्कुल तो कंप्लेन मत करें उस पेशेंट के लिए, क्योंकि वो उसके साथ जो हो रहा है वो उसकी कोई गलती नहीं है उसके अंदर। और वाइटल साइंस यानी जो बीपी पल्स है उसमें चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। अगर आप डॉक्टर को बुलाते हैं तो वो बोलता है जी बीपी डाउन है, पल्स फास्ट है, या पल्स इरेगुलर है, या पल्स फील ही नहीं हो रही है, बहुत लो वॉल्यूमिक पल्स है, तो ये भी एक साइंस सिम्टम्स जो है वो अच्छे नहीं है, इससे पता लगता है कि पेशेंट अब बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुका है। और दूसरा कि टॉयलेट हैबिट्स में भी कुछ चेंज आ जाता है, कि जैसे कि स्टूल, अब कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा हो गया है, बार बार अनिमा लगाना पड़ता है, यूरिन का कलर चेंज हो गया है, यूरिन कम आना शुरू हो गया है, यूरिन कंसंट्रेटेड हो गया है, ब्राउन ज़्यादा हो गया है, डार्क हो गया है, रस्ट कलर का हो गया, तो ये भी सिम्टम्स ऐसे होते हैं साइन जो पता लगता है कि हाँ अब ये पेशेंट बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में और ये अब जा सकता है। मसल्स वीक हो जाती हैं, जो पहले चाय का कप वो पी लेते थे अब वो भी नहीं उठाया जाता उनसे, तो ये भी एक लगता है कि एक पुअर कंडीशन में जा रहे हैं पेशेंट। बॉडी का टेम्परेचर, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है बॉडी का, वो कम होना शुरू हो जाता है, 96-97 नॉर्मल जो होता है 98.6 हमारा होता है, तो वो 97-96-95 ऐसे जब लो होना शुरू हो जाता है बॉडी टेम्परेचर, तो ये भी एक सिम्टम्स है कि पेशेंट अब जा सकता है कभी भी। हर माइंड कन्फ्यूज़ हो जाता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन इतना पुअर हो जाता है और कि माइंड कन्फ्यूज़ हो जाता है, उनको कुछ समझ में नहीं आता, आप पूछोगे तो शायद वो कुछ टाइम लगाते हैं, ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं बताने में, या कुछ कन्फ्यूज हैं। और ब्रीदिंग, जो उनकी सांस लेना है उसमें भी कुछ चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि बहुत फास्ट हो जाएगा सांस लेना, या फिर उसमें कुछ पॉज आ जाएगा, रुक रुक के सांस ले रहे हैं, या फिर गैस्पिंग, जिसको बोलते हैं गैस्पिंग हम लोग अपनी कंडीशन में, कि ऐसा लगता है कि बस ऐसे करके सांस आ रहा है उनका, बहुत अब स्लो हो गया है, रुक रुक के आ रहा है, तो ये भी एक साइन होता है कि वो पेशेंट जाने वाला है। पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जैसे कुछ कैंसर के पेशेंट हैं तो उनके पेन इतने सीवियर हो जाते हैं कि वो टॉयलेट ही नहीं कर पाते, तो एक ये भी साइन होता है कि इनके पेन्स बहुत बढ़ गए हैं। हॉलुसिनेशंस यानी कि कुछ दिखाई दे रहा है, कई बार पेशेंट अपने आप ही उस समय बताना शुरू करते हैं कि मुझे कुछ नज़र आ रहा है, वो आ गया, कोई लेने आ रहा है, या कोई सुनाई दे रहा है कुछ ऐसा जो है नहीं एक्चुअली, तो ऐसी कंप्लेंट पेशेंट्स करने लग जाते हैं, तो ये भी एक साइन होता है कि पेशेंट अब जाने वाला है। कहना बहुत आसान होता है, ये बोलना एज ए डॉक्टर मेरे लिए बहुत ईजी होता है, लेकिन जिसके साथ बीतता है, जिसके रिलेटिव्स के साथ ऐसा होता है, तो वो सहन कर पाना बहुत मुश्किल होता है, ख़ासतौर से अगर पेशेंट बहुत यंग हैं या उनकी एज बहुत ज़्यादा नहीं है, तो बहुत ही मुश्किल होता है। और लेकिन क्या करें, मेरा तो काम है एज ए डॉक्टर बताना, हालांकि मुश्किल है। और क्या करें आखिरी टाइम में, मेरे ख्याल से आखिरी टाइम में उनके साथ ज़्यादा इन्वॉल्व रहें, उनसे बातें बातें करते रहें, उनको ये मत शो होने दें कि आप जा रहे हैं, क्योंकि जो मौत है, जो डेथ है, वो बहुत कंफर्ट में होनी चाहिए, जितना आप कंफर्ट उनको आखिरी टाइम पे दे सकते हैं दे दें, ठीक है। और ये ना हो कि भीड़ लगा के खड़े हो गए उनके सिर के ऊपर, उसको ऐसा शो करें कि बस आप गए, तो पेशेंट को मत पता लगने दें कि आप जा रहे हैं, वो जा रहा है, उससे बातचीत लास्ट मोमेंट तक करते रहें, जिससे कि उनकी डेथ जितनी कंफर्ट हो, क्योंकि होना है तो होना है, आप उसको रोक नहीं सकते। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, और अगला टॉपिक मेरा वेंटिलेटर से रिलेटेड है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ये कंप्लेन करते हैं कि वेंटिलेटर पे डाल दिया जी, अब तो जानबूझ के रखा हुआ है, पेशेंट तो मर गया, तो अगला वीडियो ज़रूर देखें जो वेंटिलेटर से रिलेटेड डेथ होती हैं या वेंटिलेटर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके बारे में है। और कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, आप प्लीज़ अगर अच्छा लगा तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ही बताऊंगा, मैं कोई थियोरटिकल नॉलेज नहीं देने जा रहा हूं यहां पर, सिर्फ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो मैं रोज़ देखता हूं डे टू डे मेडिकल लाइफ में, पेशेंट के साथ, डॉक्टर के साथ, डॉक्टर से संबंधित भी टॉपिक लेकर आऊँगा, तो ठीक है।
फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, जरूर देखिएगा, वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वेंटिलेटर पे लोगों को मिथ है कि वेंटिलेटर पे डाल दिया तो मरीज चला गया, तो बाय दोस्तों।